नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक नए रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि बेंगलोर के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला है। बेंगलोर एक टेक सिटी है इंडिया की। दुनिया की जानी मानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बेंगलोर एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। यहां पर ओवर कंजेशन देखने को मिल रहा है रोड ट्रांसपोर्टेशन में, और क्योंकि यहाँ पर आबादी भी बढ़ी है पिछले सालों में, लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के साथ में यहाँ पे जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो यहाँ का जो रोड का सिस्टम है वो उनके लिए अब कैपेबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप एक बार यहाँ पे जाम में फंस गए तो बहुत ज़्यादा बेशकीमती वक्त जो है आपका बर्बाद होना ही है। तो ऐसे में अगर टाइम बचाना है तो आप लोगों को या तो वर्क फ्रॉम होम करना पसंद आएगा, और अगर अपना खुद का व्हीकल है तो उससे जाना आप पसंद नहीं करेंगे, पब्लिक व्हीकल का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि खुद के व्हीकल से अगर फंस गए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन काफ़ी वक्त से बेंगलोर में मांग उठ रही है कि अब इस रोड ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट की ज़रूरत है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ऐसे में यहाँ पर 148 किलोमीटर का सब अर्बन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत टाइम से पेंडिंग था उसको हरी झंडी दिखाई गई 2022 में। इसका DPR पर काम चल रहा है और साथ में इसके ऊपर अब फिजिकल एक्टिविटी भी देखने को मिलने लगी है, लेकिन इसका काम काफ़ी स्लो चल रहा है। इसकी डेडलाइन जो है 2026 बताई जा रही है। तो ये काम बेंगलोर में चल ही रहा है। लेकिन इसके साथ में ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा है, जो कि होने जा रहा है बेंगलोर सर्कुलर रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्ट। काफ़ी पॉलिटिकल वादे किए गए थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन कभी भी इसको हरी झंडी नहीं दी गई, ना ही कोई पॉजिटिव कदम इसके ऊपर उठाया गया। लेकिन आखिरकार कल अश्विनी वैष्णव सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता दिया है इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ। वो इस प्रोजेक्ट को अब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि बेंगलोर को अब एक नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है रोड ट्रांसपोर्टेशन का, और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी कैपेबल नहीं है लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 7 से 10 महीनों के अंदर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, एंड अलाइनमेंट स्टडी होगी इस सर्कुलर रिंग की जो कि इस सर्कुलर रेलवे नेटवर्क में बनाई जाएगी। 7 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन भी कर दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं सर्कुलर रेलवे होता क्या है दोस्तों। सर्कुलर रेलवे दोस्तों कुछ इस तरीके की रेलवे नेटवर्क होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। ये एक लूप की तरह होता है, मतलब एक पॉइंट से ट्रेन स्टार्ट किया तो उसी पॉइंट पर दोबारा से ट्रेन अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए आ जाएगी, और दोबारा से उसी डायरेक्शन से दोबारा अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोकोमोटिव को चेंज करना पड़ रहा है दूसरी डायरेक्शन में। तो ऐसे में आप इसको समझ सकते हैं ये एक लूप की तरह काम करता है। तो ये सर्कुलर रेलवे जो होता है ये मेन सिटी से बाहर बनता है, जैसे आप रिंग रोड का कंसेप्ट समझते हैं वैसे ही। अश्विनी वैष्णव सर ने इसको कंपेयर भी करा है, ये एक रेलवे वर्जन होगा पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट का, जो कि आप लोगों को आज बहुत सी सिटीज में देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम होने वाला है। अब करंट में दोस्तों ये सर्कुलर रेलवे जो है वो चेन्नई में सबसे बड़ा माना जाता है देश का, 235.5 किलोमीटर का, और ये अब सेकेंड नंबर पे आ जाएगा जब यहाँ पर 287 किलोमीटर का इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनेगा बेंगलोर में। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो लेंथ होने वाली है 287 किलोमीटर होने वाली है। आगे चल करके जब ये बन जाएगा तो बताया जा रहा है कि सर्कुलर रेलवे की श्रेणी में तो सबसे बड़ा होगा, साथ में जब ये सब अर्बन के साथ में मिक्स होकर के सब अर्बन रेलवे कहलाएगा बेंगलोर का, तब ये उस बड़ी लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां पर हमारे देश के सबसे बड़े सब अर्बन रेलवे के जो नेटवर्क है वो शामिल है। जैसे कि कोलकाता सब अर्बन रेलवे 1503 किलोमीटर की ट्रैक लेंथ के साथ में नंबर 1 पर अभी बना हुआ है, उसके साथ में ही चेन्नई और मुंबई भी इसमें शामिल है। तो ऐसे ही यहां पर बेंगलोर में भी एक बड़ा सब अर्बन रेलवे नेटवर्क बन जाएगा जिसमें खासकर लोकल ट्रेन चलेंगी, और वो आधुनिक लोकल ट्रेन होंगी जिनका नाम अश्विनी वैष्णव सर ने बोल दिया है कि यहां पर हम वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका प्रोटोटाइप 2024 में शुरुआत में ही देखने को मिलने वाला है उन्होंने कहा, तो ये ट्रेन हम इस तरीके के नेटवर्क्स में चलाएंगे जो कि काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, इनका इंटीरियर काफी अच्छा आधुनिक होगा और कंफर्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करती ही है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने ये बात रखी है। साथ में उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को बेंगलोर के नेचर को देखना है तो देखिए बेंगलोर का जो नेचर है, बेंगलोर जिस तरीके की सिटी है उसका जो एक कंपैरिजन हो सकता है, वो कंपैरिजन हो सकता है जैसे कि ग्लोबली हम देखा जाए तो टोक्यो, सियोल, ओसाका और हमारे भारत का न्यू दिल्ली, इससे इसका कंपैरिजन हो सकता है। इन सभी शहरों के पास अपना खुद का ट्रांजिट सिस्टम है, सब अर्बन रेलवेज हैं, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें रोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये सिटीज। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो मेन सिटीज में ना भी रह रहे हों तो आसपास के नेबर जो उनकी सिटीज हैं वहाँ से सीधा सीधा कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है रेलवे के द्वारा, या फिर आज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिस तरीके से दिल्ली NCR में बनाया जा रहा है वो भी इसका एक बड़ा एग्जांपल है। तो ऐसा ही कुछ चाहिए बेंगलोर को भी, और यही कारण है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अब इंप्लीमेंट करा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें, निदवंदा से लेके दोदा बल्लापुर
के बीच में 28.5 किलोमीटर पर काम होगा, फिर उसके बाद देवाना हैली से लेकर के मालूर के बीच में 46.5 किलोमीटर पर काम होगा, मालूर से लेके एलालिगे तक 52 किलोमीटर का काम होगा, उसके बाद हिजाले से लेके सोलूर के बीच में 43.5 किलोमीटर का काम होगा, उसके बाद सोलूर से लेके निदवंदा तक 34.2 किलोमीटर का काम होगा, उसके बाद हिजाला से लेके हिलालगे तक 42 किलोमीटर का काम होगा। तो टोटल ये पूरा एक लूप है और 287 किलोमीटर का ये काम होगा। साथ में उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट सिटी और सिटी सेंटर के बीच में भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। व्हाइटफील्ड, होसूर, मैसूरू तक और तुमाकुरु तक भी कनेक्टिविटी देने की बात हो रही है इस बड़े सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से बैंगलोर का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको रेलवे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, और इस सिटी को एक वो जो मांग बहुत टाइम से उठ रही थी उस मांग को पूरा करने के लिए अब नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने आएगा तब उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या गवर्नमेंट ने सोचा है, क्योंकि इसके लिए फिर फंडिंग भी चाहिए होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करेगी, कर्नाटका गवर्नमेंट कितना करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पर नजर बनी रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप बैंगलोर जाते रहते हैं या कोई आपका वहां रहता है, जरूर से बताना कि बैंगलोर में कितनी प्रॉब्लम अभी उनको फेस करना पड़ रही है वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।